नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईक्यू टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यूपीपीटी 2022 सामान्य अध्ययन की तैयारी हम लोग अभी चल रही है, क्लास चल रहा है, चार क्लासेज हो चुकी हैं और आज पांचवा क्लास होगा आपका, और उसके अंतर्गत मौर वंश हम आपको बताएंगे इसके बारे में। और सिलेबस में आपके मौर्य वंश के अंतर्गत जो है सिर्फ सम्राट अशोक की बात की गई है कि आपको अगर क्वेश्चन आने हैं तो सम्राट अशोक के बारे में ही पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा जानेंगे, क्योंकि शुरुआत जरूरी है जमीन से करना, फिर उसके बाद बीच में भले ही छोड़ दिया जाए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि मौर्य वंश क्या है, कैसे है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, इनके गुरु थे विष्णुगुप्त जी और इनको चाणक्य भी कहा जाता है, की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो है धनानंद। ठीक है, अब देखते हैं कि अशोक के बारे में पढ़ने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग स्किप करते हैं, फिर बिंदुसार को स्किप करते हैं, उसके बाद अशोक की बात आती है। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य रहा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य दादाजी थे अशोक के, और इनके पिता कौन थे, तो बिंदुसार जी थे। ये तीसरी पीढ़ी है अशोक, मौर्य वंश का तीसरी पीढ़ी का शासक था अशोक। ठीक है, तो जैसा कि अशोक के बारे में ही सब कुछ जानेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है कि गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, तो अशोक से पहले इनके पिता बिंदुसार थे शासक। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अशोक जो है गद्दी पर बैठते हैं, और इसकी अशोक के बारे में जानकारियां जो है, प्रारंभिक जानकारियां जो है, दिव्यावदान और सिंघली ग्रंथों से मिलता है। अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रांगी था, पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इनकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका गए थे। ठीक है, जैसा कि माना जाता है सिंघली ग्रंथों में या सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने राजगद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों की कत्ल करता है, मृत्यु को पहुंचा देता है, तब ये जाके शासक बनता है। तो जैसा कि आप सभी को अभी मैंने बताया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या की और उसके बाद वो राजा बनता है। फिर चार साल बाद 269 ईसा पूर्व में वो राज्याभिषेक अपना कराता है और उस समय अपना नाम रखाता है बुद्धिशाक्य, बुद्धिशाक्य की उपाधि धारण करता है, और ये अपने आप को देवनाम पिय भी कहता है और देवनाम पिदस भी कहता है। देवनाम पिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। और बात आती है कि अशोक का वर्णन किस किस अभिलेख में अशोक ही नाम से हुआ है, तो सबसे पहले आता है मास्की। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, और ये मास्की अभिलेख है कहाँ, तो रायचूर, रायचूर में है। रायचूर कहाँ है, तो कर्नाटका में। ठीक है, फिर बात आती है गुर्जरा अभिलेख की। गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, में भी इसका नाम अशोक मिलता है, और पुराणों में इसको क्या कहा गया है, तो अशोक वर्धन कहा गया है। रुद्र दामन एक ऐसा अभिलेख है जहां पर चंद्रगुप्त का और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है। ठीक, दीप वंश में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक को तक्षशिला एवं अवंती का शासक नियुक्त किया गया था। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और अवंती मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने बड़े एरिया का ये राजा थे वर्तमान, उस समय जब राजा बने तो भाई पूरे भारत का लगभग बन गए। अब कल्हड़ का जो है, कल्हड़ एक कवि थे
लेखक थे तो कल्लर ने राज तरंगड़ी लिखा है, आपके पेपर में खूब आता है। तो राज तरंगड़ी में जो है इन्होंने वर्णन किया है कि बितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर राज्य को इन्होंने स्थापित किया था, बनाया था। तो बितिस्ता नदी भी ध्यान रखिए कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर, फिर श्रीनगर ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अशोक के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। अब बात करेंगे अशोक के एक महत्वपूर्ण जीवन में जो घटना घटी थी उसके बारे में बात करेंगे। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आसानी से पता होगा, सबको पता है। हाथी गुंफा एक अभिलेख था जहां ये पता चलता है कि कलिंग पर कौन राज कर रहा था। तो कलिंग पर राज कर रहा था नंद राज का एक शासक, ये कर दिए आक्रमण। और बात करते हैं कि हाथी गुंफा कहाँ है, तो हाथी गुंफा अभिलेख कहाँ मिला था, तो ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में मिला था। भुवनेश्वर कहाँ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और अगर बात करें कि भुवनेश्वर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। इतनी आपको जानकारी दे दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि कलिंग का जो है राजधानी क्या थी, तो ये राजधानी तोसली थी, ठीक है। इन्होंने युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया, जिसमें 1,00,000 लोग मारे जाते हैं, करीब 1,50,000 लोग बंदी बना लिए जाते हैं। और ये सारी जानकारियां कहां से मिलती हैं, तो अशोक का जो 13वां अभिलेख था, 13वां अभिलेख, उससे ये जानकारी मिल जाती है, असंपूर्ण जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में। ये तो बात हो गई कि अशोक ने कैसे युद्ध किया, कैसे लड़ा, कैसे मारा और कैसे इनका, फिर बाद में जब इतना भयंकर रक्तपात होता है तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है इस भयंकर रक्तपात को देखकर, कलिंग युद्ध जब होता है तब, तो इसका यही हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये बौद्धिष्ट बनने का विचार कर लेता है। और बात करें, एक छोटी सी बात करें कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कहां तक था, तो बंगाल की खाड़ी, पूर्व जो पूर्व का एरिया था वो बंगाल की खाड़ी से शुरू होता था और पश्चिम में काठियावाड़ तक था, ठीक है, पश्चिम में काठियावाड़ तक था। और अगर बात करें उत्तर की, तो इसको उत्तर पश्चिम लेंगे और ये पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको कवर करता है, वहां तक इनका शासन था। और बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में कर्नाटक तक था। भाई पूरा नहीं कवर कर पाए थे, तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कर्नाटक तक इन्होंने अपना शासन किया। तो ये है इनके युद्ध के बारे में जानकारी और इनका शासन कहां कहां, कहां से कहां तक इनका साम्राज्य था, इसके बारे में आपको पता चलता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध जो है बहुत भयंकर था, तो उसके बाद ये रक्तपात जो देखता है अशोक, वो बहुत विचलित हो जाता है और भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लेता है। भेरी घोष क्या है, भेरी घोष होता है कि झगड़ा लड़ाई, और धम्म घोष जो है शांति का रास्ता वो अपना लेता है। फिर वो काम करता है कुछ बराबर की पहाड़ियों पर, वो आजीविकों के रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराता है, एक कड़ होता है, दूसरा चौपार नाम रखा जाता है, तीसरे का सुदामा और चौथे का विश्व झोपड़ी। ये चारों झोपड़िया एक ही जगह है, एक ही चारों गुफाएं एक ही जगह है और वो बराबर की पहाड़ियों पर है। तो और बराबर की पहाड़ियां कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, महेंद्र और संघमित्रा, इसके महेंद्र जो है अशोक का पुत्र था और संघमित्रा जो होती है उसकी पुत्री थी, इन दोनों को भेजा कहाँ जाता है, श्रीलंका। श्रीलंका को सिंघल द्वीप भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिंघल द्वीप भी कहते हैं। अब बात आती है अशोक के, देखिए इनके बारे में सारा का सारा अभिलेख है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इसी का सारा खेल है। और कुछ लिपियां हैं, इनकी 4 लिपियां थी अशोक के अभिलेख की, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अर्मेइक। अर्मेइक और ग्रीक लिपि जो है
ये अफगानिस्तान में मिलता है जो वर्तमान में तालिबान वहां शासन कर रहा है। खरोष्ठी लिप जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में थी, वहां जो है जो इनके अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, वो क्या है खरोष्ठी लिप में है, और अफगानिस्तान में जो मिला है अरमेनिक और ग्रीक में। अशोक की राष्ट्रभाषा क्या थी, तो वो थी पाली, और लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि। भाषा क्या होता है, जो जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, आप एक दूसरे के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, वो भाषा है, और जो वही भाषा को लिखा जाता है जिस रूप में, वो लिपि है, तो वो ब्राह्मी लिपि थी इनकी। और दो भाषा वाला जो स्तंभ लेख था इनका, वो मिला है सारे गुना, ये बहुत बार आया है, और ये कांधार में है। कांधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान में ही है, ठीक है, अफगानिस्तान में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। और सारे कुन्ना जो है दोनों भाषाओं में है, किसमें है, अरमाइक और ग्रीक, ये दो भाषाएं हैं जो सारे कुन्ना का लेख जो है, शिला लेख जो है मिलता है, ठीक है। मानसेहरा एवं शहबाज गढ़ी का जो शिला लेख था वो खरोष्ठी लिप में था, ठीक है, खरोष्ठी लिप में। तो मानसेहरा और शहबाज गढ़ी है कहाँ, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1750 ईस्वी में जो है टी फैंडलर नाम के जो पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए थे। तो 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा था जेम्स प्रेसर ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ जो लेख थे उसको किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रेसर ने पढ़ा था। आगे की बात करें तो अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जितने भी इनके अभिलेख थे सब प्रशासनिक थे, लेकिन एक ऐसा अभिलेख था रुम्मिनदेई, रुम्मिनदेई जो है अभिलेख जो है ये आर्थिक था। मौर्य वंश के जो भी आर्थिक घटनाएं होती थी, कर या कुछ भी चीजें, वो रुम्मिनदेई में वर्णित है। और रुम्मिनदेई मिला कहाँ है, तो ये नेपाल में मिला है, ठीक है, ये नेपाल में था अभिलेख। अब हम बात करेंगे अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषय के बारे में कि क्या क्या लिखा गया है। लेकिन वैसे तो 14-16 शिलालेख हैं, लेकिन हम सब के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी में, उसी के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अशोक के पहले शिलालेख की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा गया है कि पशुबलि, पशुबलि का विरोध किया गया है या फिर मनाही है। दूसरे शिलालेख में वर्णन है मानव एवं पशु दोनों की बात की गई है, चिकित्सा की बात की गई है, इनकी दवा दारू की बात की गई है, ठीक है, चिकित्सा की बात की गई है। अब डायरेक्ट आएंगे टॉपिक नंबर 3 पर, सातवें और आठवें अभिलेख में, सातवें और आठवें दोनों अभिलेख में अशोक के धार्मिक यात्राओं की बात की गई है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है दसवें अभिलेख में, अशोक ने कहा है कि राजा हो या अधिकारी सभी हमेशा प्रजा के बारे में ही सोचेंगे। ऐसे मतलब क्या है, सोचेंगे मतलब उनका भला ही करने के प्रयास करेंगे, ना कि उनको नुकसान पहुंचाएंगे।
पांचवा टॉपिक आपका है कि 12वें अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी के विचारों को सम्मान करना है। सभी के विचारों का सम्मान करना है, ये नहीं कि अपना एक हेलर है। छठा पॉइंट क्या है, इसमें 13वें अभिलेख में कहा गया है, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है, सब कुछ बताया गया है। और 14वें अभिलेख में लास्ट अभिलेख में कहा गया है लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में। पहला उत्तराधिकारी इनका था दशरथ, ठीक है। दूसरा उत्तराधिकारी था इनका संप्रज। तीसरा उत्तराधिकारी था सालिश्रुक। चौथा था देववर्मन। पांचवा कौन था, शतधनुष था। छठा कौन था, बृहदत्त, ठीक है। और यही जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक भी सिद्ध होता है। अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट कौन था, बृहदत्त था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इस तरीके से आज का टॉपिक मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक समाप्त होता है। अब बारी आती है आपकी होमवर्क की, तो 10 क्वेश्चन लीजिए और इसको कमेंट में आंसर करिए। आप पढ़ के वीडियो पूरा देखिए फिर इसका आंसर करिए, ठीक है। अगर आपने वीडियो पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे। तो चलिए होमवर्क ले लीजिए अपना। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, आप इनके आंसर दे सकते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा, अशोक का शासन काल कब से कब तक था। तीसरा, अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब किया, ठीक है, युद्ध मतलब आक्रमण कब किया। कलिंग की राजधानी क्या थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त एवं अशोक दोनों का वर्णन है। राज तरंगड़ी किसने लिखा है। रुम्मन देई अभिलेख का विषय वस्तु क्या है। आठवां क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। फिर है नौवां है अशोक स्तंभ की लिपि को किसने पढ़ा था। मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी किस स्थान पर है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपीपीटी 2022 की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बाकी तो ठीक ही है। नमस्कार।